गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड इन दिस क्रिटिकल पोजिशंस। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 अबाउट एक्सरसाइज 5.1। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट व्हाट इज ईपी, व्हाट इज जीपी, दैट वी नो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल टॉक अबाउट दिस चैप्टर। बट नाउ फ्रेंड्स, 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। In these questions, we have to find 4 more terms when first term and difference is given. Friends, in arithmetic progression, first term is denoted by A and difference, common difference is denoted by D, that we know already. Okay? But except this, still we have to find 4 more terms. Okay? So friends, we know that in the general formula, for AP, arithmetic progression का जो terms है वो किस तरह से लिखे जाते, हमने first lecture में भी discuss किया था कि each term of arithmetic progression is obtained by adding any fixed term to its preceding term except first term. It means first term के अलावा बाकी जितने भी terms पीछे हमें मिल रहे हैं उस टर्म अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आगे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर की बात करें वो है हमारा डिफरेंस, उसको ऐड करते हैं तो हमें पूरी सीक्वेंस मिलती है। इट मींस जो जनरल फॉर्मूला है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इस तरह से बनता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए ये प्रोग्रेशन देखिए, फर्स्ट टर्म अगर ये मान लेता हूं मैं तो दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, एक बार डी ऐड करने से। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, दो बार डी ऐड करना है, किसमें, ए में, ए सब में कॉमन आएगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके, ए सब में कॉमन है, किसमें ऐड करना है तो फर्स्ट टर्म में। दूसरा टर्म फाइंड करना है तो डी को एक बार ऐड करना है, तीसरा टर्म फाइंड करना है तो डी को दो बार ऐड करना है, तीसरा टर्म फाइंड करना है, चौथा टर्म फाइंड करना है तो डी को 3 टाइम्स करना है। इट मींस फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, अगर आपको जिस नंबर का टर्म्स फाइंड करना है तो उसमें एक कम कर देना, उतनी बार डी को ऐड करना है। जैसे कि सेकंड टर्म है, टर्म सेकंड है लेकिन डी एक बार है, टर्म थर्ड है लेकिन डी दो बार है, तो नंबर ऑफ डी दैट वी आर गोइंग टू ऐड इट वन लेस देन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये तो जनरल टॉक हो गई, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी समझाने के लिए लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ए फर्स्ट टर्म है तो मैं अब T1 करके लिखूं 10 चलेगा, ए का मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है, T1 लिखूं तो अभी फर्स्ट नंबर का टर्म, दोनों लिखोगे चलेगा। T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10 वो दिया है और डिफरेंस आपको दे दिया है कॉमन, वो भी 10 है, तो फर्स्ट टर्म तो मैंने लिख दिया 10। ओके, सेकेंड टर्म क्या बनेगा, T2 में क्या लिखना है, a प्लस डी, तो a कितना 10, डिफरेंस कितना 10, इट मींस 20, ये मेरा T2 आ गया। T3 में d कितनी बार ऐड करना है, दो बार। अगर ये सीक्वेंस याद ना रहे तो भी डोंट वरी, आपको क्या करना है, टर्म्स देख रहे हैं, तीस थर्ड नंबर का टर्म्स है तो a में दो बार d ऐड करने का, सिंपल फंडा याद रखो है ना, T3 है तो A में दो बार D ऐड करना है, तो A कितना 10 दिया हुआ है, 2D, D कितना है 10 है, तो 10 प्लस 20 दैट इज 30, ये मेरा थर्ड टर्म होगा। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है तो नंबर ऑफ D कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा, 3D, A कितना 10 प्लस 3, डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 30 दैट विल बी 40। तो फ्रेंड्स वी आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स एंड यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी फाउंड फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म विल बी 20, थर्ड टर्म विल बी 30 एंड फोर्थ टर्म विल बी 40। सो अल्टीमेटली वी विल राइट हैंस रिक्वायर्ड 4 टर्म्स, required 4 terms are 10, 20, 30 and 40. This is our required answers.
ओके, लुक एट द सेकंड वन, सेम डेटा गिवन हियर, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन, डिफरेंस गिवन, सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट हियर टू फाइंड फोर मोर टर्म्स. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. टी वन इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस वन गिवन, डी इक्वल टू वन बाई टू गिवन. ओके, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी ऑब्टेन, नो नीड टू फाइंड. सेकंड टर्म मतलब टी टू, टी टू में क्या होगा, एक बार डी एड करेंगे, ठीक है, वन ए प्लस डी, ए मीन्स माइनस वन, डी मीन्स वन बाई टू. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए, जब भी ऐसा फ्रैक्शन आता है ना तो बोले अब नहीं आता हमें, अरे भाई इसमें एलसीएम लेना होता है. जब भी फ्रैक्शन आप देखा जाता है, ओनली वी हैव टू टेक एलसीएम, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई द नंबर विच इज सिचुएटेड इन डिनोमिनेटर. ओके, सो मल्टीप्लाई दिस टू हियर, दिट विल बी माइनस टू प्लस वन बाई टू, सो माइनस वन बाई टू, दिस इज आवर टी टू. ओके, नाउ थर्ड टर्म विल बी टी थ्री, ए प्लस टू डी. ओके, ए माइनस वन गिवन, टू डी वन बाई टू गिवन, राइट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टू डी, टू और डी के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू एंड दिस डी, एंड वी नो दैट whenever same numbers are in numerator and denominator will be cut directly, okay, will be cancelled, so this one and this one will be cancelled. Okay, so minus 1 yahan pe bacha hai, yahan pe 2 to cancel ho gaya, to kya bacha, plus 1 bacha, so it will be 0. Okay, now t4, a plus 4 terms hai, to d kitni bar hoga, 3 times hoga, yahan dekhne ki zarurat hi nahi hai, जनरल फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है. जब भी आपको फोर्थ टर्म है तो याद करो एक कम डी आपको ऐड करना है, तो फोर्थ टर्म था तो थ्री टाइम्स डी ऐड करेंगे, किस में, फर्स्ट टर्म में, ऑलवेज आपको फर्स्ट टर्म में ही ऐड करना है. ओके, सो ए अगेन माइनस वन, थ्री, व्हाट इज डी, दिस इज वन बाई टू. ओके, सो माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन, थ्री बाई टू, अगेन वी विल टेक एलसीएम, 2 इंटू वन माइनस टू प्लस थ्री बाई टू, सो दिस विल बी माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन बाई टू. तो फ्रेंड्स दिस इज आर टी फोर, सो रिक्वायर्ड फोर टर्म्स वी विल राइट हियर, रिक्वायर्ड फोर टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन, दिस इज माइनस वन, सेकेंड टर्म हियर इज माइनस वन बाई टू, थर्ड टर्म जीरो, एंड फोर्थ टर्म इज वन बाई टू. ओके फ्रेंड्स, तो इज द वेरी बेसिक सम ऑफ दिस चैप्टर इन 5.1, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर टू. ओके, सो वेन एवर वी हैव गिवन फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, बाई दिस वे वी विल फाइंड हाउ मेनी ऑफ टर्म्स आर आस्क टू फाइंड, वी कैन इजिली फाइंड, हियर वी आर आस्क टू फाइंड फोर टर्म्स, तो सिमिलर बाई सेम वे वी विल फाइंड द फोर टर्म्स ऑल्सो. Here is first term and difference given. So also we can find the required four terms by this way. Okay, thank you. Okay, friends, look at the question number 4 of the same exercise 5.1. What to do in this exercise? Look at here. Which of the following are APs? दो progression यहाँ पे दिए हुए हैं. वो AP है कि नहीं? First we have to check it, and then what we have to do? Look at here. If they form an AP, अगर वो AP है, then find the common difference and write three more terms. तो पहले चेक करना है कि वो AP है, अगर वो AP है तो उसका common difference find कर दीजिए. Difference मतलब common आना चाहिए, अगर AP है तो difference common होगा, अगर difference common है तो वो AP ही होगी, दोनों alternative right है. Okay, तो common difference find करने के बाद आपको यहाँ पे four terms दिए हुए हैं, one two three four, इसके बाद आपको next थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब टी फाइव टी सिक्स एंड टी सेवन फाइंड करेंगे. ओके, सो लेट टी वन इक्वल टू ए इक्वल टू टू गिवन, टी टू इक्वल टू फाइव बाई टू, टी थ्री इक्वल टू थ्री, एंड टी फोर इक्वल टू सेवन बाई टू. फर्स्ट वी विल चेक इज इट ए पी और नॉट, तो फॉर ए पी है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, हाउ वी विल चेक इट, तो वी विल फाइंड difference, it means
subtracting first term from second term, and we will see if the difference between first two term and these two term, if it remains same, then we can say this is AP. Okay, so let me check t1 d1 t2 minus t1. Okay, second term is 5/2, first term is 2. Okay, so by LCM we will have 5 minus 4 by 2, and finally this will be 1/2. This is the difference between first two term, it means second term and first term. अभी भी एक और चेक करेंगे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में. ऑलवेज आपको फ्रेंड्स दो बार डी चेक करना है, टी टू माइनस टी वन एंड टी थ्री माइनस टी टू. ओके, पहले ये दो टर्म का डिफरेंस देख लेंगे, फिर ये दो का देख लेंगे. अगर वो दोनों सही सेम आता है तो फिर आगे प्रोग्रेशन में वो सही ही होगा. तो दो बार डी चेक करेंगे और डी टू देख लेते हैं. तो टी थ्री माइनस टी टू करेंगे, टी थ्री कितना है 3, माइनस टी टू कितना 5/2. यहाँ पे बनेगा 3 2 6 - 5/2, दिस इज ऑल्सो बिकम्स 1/2. तो फ्रेंड्स हियर वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव टर्म्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इट मीन्स रिमेन सेम. सो वी कैन सी गिवन प्रोग्रेशन इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इज इन एपी, या तो इट फॉर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से. सो हाउ वी विल राइट, वी विल राइट हियर. सो हियर डी वन इक्वल टू डी टू, दस given progression form AP. वो AP है, वो confirm हो गया. अब हमें क्या करना है, next three terms find कर रहे हैं. तो चार terms तो दिए हुए हैं, next मतलब क्या होगा, T5 आएगा, फिर T6 आएगा, फिर T7 आएगा. तो कैसे करेंगे, very simple. T5 equal to, याद करिए friends, जिस नंबर का टर्म्स आप फाइंड करते हैं उसे एक कम बार डी फर्स्ट टर्म में ऐड करना है. इट मींस ए में 5 नंबर का टर्म है तो डी कितनी बार ऐड करना है, ओनली 4 टाइम्स, एक कम कर देना है. 4 टाइम्स डी ऐड कर दो तो आपको 5th नंबर का टर्म मिल जाएगा. तो ए प्लस 4 डी, तो ए कितना है मेरा 2 है, 4 डी कितना है 1/2 आया. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है तो कट हो जाएगा, राइट. 2 + 2 दैट इज 4, T5 कितना आया 4 आ गया. सिमिलरली T6, तो 6 में क्या करेंगे, A प्लस 5 टाइम्स D ऐड करेंगे, तो A कितना 2, 5 D कितना 1/2, तो 2 प्लस, यहाँ पे फ्रेंड्स कटिंग नहीं होगी तो 5/2 बनेगा ये. ओके, तो फाइनली 2 2 4 प्लस 5/2, सो दिस विल बी 9/2. तो T6 कितना आया 9/2. नाउ T7 इक्वल टू A प्लस 6D, एक कम बार आपको D ऐड करना, इट मींस A प्लस 6D. ओके, A मींस 2, 6D मतलब 1/2, 2 + 2 = 3, 2 + 3 = 2, यहाँ पे बनेगा 3. 6 1/2 था, 2 से कट कर दिया था, 2 + 3, एंड सो दिस विल बी 5. तो 7th नंबर का टर्म फ्रेंड्स आपका क्या मिला, 5. तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने को बोले थे, वो 3 नेक्स्ट टर्म कौन कौन है, 4, 5th नंबर का टर्म 4 है, 6th नंबर का टर्म 9/2 है, और 7th नंबर का टर्म 5 है. तो हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड द मोर टर्म्स वेन एवर वी आर आस्क टू फाइंड, सो बाई दिस वे वी विल चेक फर्स्ट इज इट एपी और नॉट. इफ वी आर गेटिंग डिफरेंस सेम देन वी कैन से दिस इज एपी, एंड सिमिलरली वी विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर, लेट्स वी चेक बाई द सिमिलर वे इज इट एपी और नॉट. तो फर्स्ट डायरेक्टली आई विल ट्राई टू फाइंड डी वन, दिस विल बी टी टू माइनस टी वन, टी टू दिस इज टी टू दिस इज टी वन, रिमेंबर T2 means 3 + √2, right? Minus T1, it means 3. Look at here, 3 + 3 - cancel. So D1 equal to only √2. Okay. Now D2. D2 means T3 - T2. T3
थ्री मीन्स थ्री प्लस टू रूट टू माइनस टी टू, टी टू कहा ये रहा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे थ्री प्लस रूट टू। ओके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, थ्री प्लस थ्री माइनस कैंसिल, टू रूट टू में से एक रूट टू माइनस कर दो कितना बचेगा वन रूट टू। नहीं समझ में आया, देखिए ये टू रूट टू है तो रूट टू प्लस रूट टू लिखा जाता है कि नहीं, और ये माइनस रूट टू, एक रूट टू प्लस माइनस कैंसिल कितना बचा रूट टू, तो डी टू ऑल्सो वी आर गेटिंग रूट टू। सो हियर वी कैन से डी वन इक्वल टू डी टू, डी टू हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज या द फॉर्म एन एपी। ओके ये भी एपी फॉर्म कर रहा है वो हम कह सकते हैं, स्टिल आवर वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, स्टिल वी आर आस्क्ड इफ इट इज एपी देन फाइंड डिफरेंस, ऑल्सो वी हैव फाउंड ऑलरेडी, नाउ फाइंड थ्री मोर टर्म्स। ओके तो हाउ वी विल फाइंड, लेट सी हियर सेम वे आई कैंसिल दिस रफ। ओके यहां पे हम कर लेते हैं इसको कि किस तरह से वो बनेगा। देखिए ये कितने टर्म दिए हुए मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ, इसमें भी टी फाइव मुझे फाइंड करना है, तो इट मींस टी फाइव इट मींस ए प्लस कितनी बार डी ऐड करो, फोर टाइम्स। ओके सो ए प्लस फोर डी, ओके ए कितना है, ए कितना थ्री, प्लस फोर टाइम्स डी कितना ये लिखा, डी वन डी टू दोनों सेम आए हैं, वो हमारा डी है वो कितना है रूट टू, दिस इज आवर रूट टू, सो थ्री प्लस फोर रूट टू, थ्री प्लस फोर रूट टू दिस इज आवर फिफ्थ टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड सिक्स टर्म, सो ऑलरेडी यू नो ए प्लस फाइव डी, ए थ्री फाइव डिफरेंस कितना रूट टू, सो थ्री प्लस फाइव रूट टू दिस इज अवर सिक्स टर्म, एंड टी सेवंथ इट मीन्स ए प्लस सिक्स डी, सो ए थ्री सिक्स डी कितना रूट टू, इट मीन्स थ्री प्लस सिक्स रूट टू। सो फ्रेंड्स बाई दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स वी आर आस्क्ड टू फाइंड। ओके फोर टर्म्स ऑलरेडी गिवन, वी हैव फाउंड कॉमन डिफरेंस एंड फ्रॉम द कॉमन डिफरेंस वी ऑल केम टू नो दैट यस दिस प्रोग्रेशन फॉर्म्स ईपी, एंड वी हैव फाउंड थ्री मोर टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म। ओके तो बाई दिस वे वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल वेन एवर फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, सो सिमिलर वे वी कैन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स आर आस्क्ड टू फाइंड, बट इजिली वी कैन फाइंड इट। ओके आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके थैंक यू।